घर में शादी है, वो मीठा नहीं करेगी परी। बबली, आज तेरी बहन की सगाई थी लेकिन डोली उठनी अभी बाकी है। फैसला तेरा है, बहन को बर्बाद होते हुए देखेगी या फिर अपनी असलियत सबके सामने कबूल करेगी। परिणीति सीरियल के आने वाले एपिसोड में यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि भाई नीति मैडम ने इस बार बड़ी प्लानिंग कर डाली है। जी हाँ, यहाँ पर हम देख रहे थे कि किस तरह से उसे मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया गया है, उसे पागल घोषित कर दिया गया है उसकी हरकतों को देखते हुए। घर में शादी है, वो मीठा नहीं करेगी परी। सभी घर वालों को और राजीव के साथ साथ ऐसा लग रहा है कि भाई सच में नीति की दिमागी हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं है और उसे सख्त डॉक्टर की जरूरत है, ट्रीटमेंट की जरूरत है। इस वजह से यहाँ पर जबरन हमारी नीति मैडम को हॉस्पिटल भेज दिया गया है और इसी के साथ एपिसोड में हम देख रहे हैं कि भाई नीति हॉस्पिटल पहुंचकर चीख रही है, चिल्ला रही है कि मैं पागल नहीं हूँ। बबली, आज तेरी बहन की सगाई थी लेकिन डोली उठनी अभी बाकी है। फैसला तेरा है, बहन को बर्बाद होते हुए देखेगी या फिर अपनी असलियत सबके सामने कबूल करेगी। मुझे जानबूझकर पागल साबित किया जा रहा है लेकिन भाई फिलहाल के लिए कोई भी इस बात को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है कि नीति पागल है। और इसी बीच यहाँ पर हम देख रहे हैं कि भाई बहुत जल्द यहाँ पर नीति जो है मेंटल हॉस्पिटल से वापस आएगी। ये सारी प्लानिंग नीति ने जानबूझकर की है क्योंकि उसे पता है कि जब बात उसकी बहन पर आएगी तो भाई हमारी पार्वती यानी परी जो है वो बौखला जाएगी और बौखलाहट में आकर वो सारी सच्चाई हो सकता है, सभी घर वालों को बता दे। वही एपिसोड में हमें देखने को मिल रहा है कि भाई जब से पार्वती को पता चला है कि दलजीत और बबली की शादी होने वाली है तब से सच में हमारी पार्वती जो है वो बौखला सी गई है क्योंकि उसे पता है कि भाई हमारी बबली के लिए दलजीत बिल्कुल भी अच्छा लड़का नहीं और दलजीत की हरकतें भी हमारी पार्वती को पता है। और इस वजह से जब से हमारी पार्वती को ये बात पता चली है तब से वो बौखला चुकी है। और इसी के साथ आने वाले एपिसोड में हम देखने वाले कि भाई इस बार परी यानी पार्वती जो है वो पहुंच चुकी है बाजवा हाउस में और इसी के साथ यहाँ पर हमारी पार्वती जो है नीति के ऊपर चिल्लाते हुए और चीखते हुए दिखाई दे रही है। और इस बार हम देखने वाले कि भाई नीति जो है काफी सवाल जवाब भी करेगी पार्वती से और वो कहेगी कि बबली तो हमारी सिर्फ एक एम्प्लॉय है और एम्प्लॉय के लिए इतना फील करना काफी गलत बात है। और कहीं ना कहीं यहाँ पर हमारी नीति को तो पता ही है कि भाई पार्वती ही परी है। और इसी के साथ आने वाले एपिसोड में देखना दिलचस्प होगा कि क्या होगी परी की नई प्लानिंग।